और अब खबर बलरामपुर से है, जहां पर जिले में रामचंद्रपुर जनपद पंचायत और शंकरगढ़ जनपद पंचायत में चुनाव से पहले ही दोनों ही पार्टियों के बीच गहमागहमी की स्थिति बनी रही। जिले के 6 जनपद पंचायत सीटों में से 3 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तो वहीं 3 भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं। वहीं 6 विकासखंड में 4 सीटों पर भाजपा के उपाध्यक्ष और 2 पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। भारत को कभी भी मैं निराशा नहीं होने दूंगा, जो सभी को मिला जुला के चलूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 14 वोट लाकर विजय प्रत्याशी हुआ हूं और मैं उम्मीद देता हूं सभी ग्रामीणों को, जनताओं की जात पात पार्टी का सभी को मिला जुला के कार्य करूंगा, जिसमें सभी एकजुट होकर काम करेंगे। सब लोग मिलकर अपनी बात रखने का, अपनी बात करने का अधिकार होता है और अपने मनपसंद उम्मीदवार चुन के लाने का होता है। सब लोगों ने प्रयास किया, अपने अपने से, भाजपा के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने भी किया, हम लोगों ने भी किया और जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो हमारे चुनकर माननीय जनपद सदस्य आए हैं, वो भी अध्यक्ष के चुनाव में अपने खुलकर चर्चा किया